अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इकबाल सैयर और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से हम आपसे दो अहम ख़बरें शेयर कर रहे हैं। पहली ख़बर ये है कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान में तालिबान के एक अहम रहनुमा ने सड़क किनारे एक औरत को सब्ज़ी बेचते हुए देखा तो उसके लिए माहाना खर्च मुकर्रर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि तुर्की ने अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सामान से भरी हुई एक ट्रेन अफ़गानिस्तान के लिए रवाना कर दी है। इत्तलात के मुताबिक इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान में एक तालिबान के बड़े रहनुमा ने सड़क किनारे जाते हुए एक बेवा औरत को देखा जो कि सड़क किनारे सब्ज़ी बेच रही थी। तालिबान रहनुमा, जिसे जनरल मोबीन कहा जाता है, वो उस औरत के करीब गए, हाल अहवाल पूछने के बाद उसे कहा कि ये नकद रकम है, आप रख लें, और उसके लिए माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इस मौके पर तालिबान रहनुमा ने कहा कि आप ये सब्ज़ी घर ले जाएं और इसे अपने इस्तेमाल में लाएं और आइंदा आप सब्ज़ी ना बेचा करें क्योंकि हम आपको माहाना वजीफ़ा दे दिया करेंगे। नाज़रीन, दूसरी खबर तुर्की से है जहां तुर्क सदर एर्दोगान ने अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सामान भेजा है। इत्तलात के मुताबिक तुर्क सदर एर्दोगान ने अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सामान से भरी ट्रेन रवाना कर दी है। इत्तलात के मुताबिक 750 टन सामान में अशियाई खुर्दनोश, सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े, कंबल और अद्वियात शामिल हैं। ख्याल रही कि ये ट्रेन ईरान से होती हुई काबुल पहुंचेगी। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और आइकॉन बेल को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ इकबाल सैयर और आप देख रहे थे रियल न्यूज़ वर्ल्ड। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।